एक नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों पर उसे जबरदस्ती किसी अन्य युवक के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के संगीन आरोप लगाए हैं। मामला टोहाना के एक गांव का है। पुलिस ने नाबालिग लड़की के बयानों के आधार पर परिजनों सहित आरोपी व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाबालिग लड़की ने अपनी शिकायत में चार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 323, 506, 120 बी, 6 पोस्को एक्ट व एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 319 को हमें एक कॉल मिली थी थाने में, जिस पर इंस्पेक्टर पवन कुमार और उनकी टीम ने स्थानीय एक गाँव में जाकर, हमारे थाने का एक गाँव है, वहाँ की वो लड़की है, वहाँ पे जाके उस लड़की के बयान अंकित थी, जो अपने बयानों में लड़की ने किसी शख्स के द्वारा उस पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था, जिसके तहत हमने 3 पॉक्सो एक्ट, 6 सीएसटी एक्ट, 323, 506, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसमें जांच जारी है। तो लड़की की जो मौत हो, यही उसी मामले से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, इसमें आज आरोपी जो इस मुकदमे का था, इसकी अज्ञात कारणों से मौत हुई है, इसमें अभी जांच जारी है, मौत के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया। तो इसके अलावा लड़की ने किस किस को मामले में संलिप्त बताया है कि ऐसा कौन कौन इस मामले में और शामिल रहे? पीड़िता लड़की ने इस शख्स के अलावा अपने माता पिता व भाई की संलिप्तता को भी स्वीकार किया है, अपने बयानों में मतलब बताया है। तो क्या उसका ये कहना है कि ये लोग उसके हाथ उसको जबरदस्ती करवाते थे? ये नहीं, जबरदस्ती नहीं करवाया करते, उसका ये कहना है कि भाई इनकी सहमति से ही उक्त शख्स जो था उसे सारे शोषण करता था। कितने समय से ये चल रहा था? लड़की नाबालिग है क्या? लड़की नाबालिग है, ये जो सारा इनका जो वो है 1.5 महीने से चल रहा था। लड़की ने कहाँ शिकायत दी सर? आपको कैसे संदर्भ में, आपके संज्ञान में आया मामला पुलिस के? लड़की ने थाने में फोन किया था, उस फोन की उस पर हम गए थे, वहाँ जाकर हमने लड़की से जब बात की तो इस सारे एपिसोड का खुलासा हुआ। तो कितने लोगों पर आरोप लगाया? कुल टोटल 4 आदमी। बता दें, इस मामले में नामजद आरोपी की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की ने पुलिस को फोन पर बताया कि उसके परिजन उसे जबरन किसी अन्य युवक से संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले को लेकर गाँव में जाकर लड़की के बयान लिए तथा उसी आधार पर सभी चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। देर रात मामले में नामजद आरोपी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है। हिंद एक्सप्रेस के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।